एंड फिजियोलॉजी लेक्चर डायमा आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर यूरिनरी सिस्टम द फंक्शंस ऑफ़ मेंशन ऑन पेज नंबर वन फोर्टी टू टू वन फोर्टी थ्री एंड द लेक्चर इज़ फॉर सेम्बर वन बेसिक फंक्शंस ऑफ़ नेफ्रॉन के बेसिक फंक्शंस क्या है नेफ्रॉन क्या है बेसिकली फंक्शनल एंड यूनिट है आपके किडनीज़ का ठीक है जितना भी किडनीज़ की फंक्शनिंग है प्रोसेसिंग है उसकी फिजियोलॉजी है वो रिलेटेड है नेफ्रॉन से तो जो भी फंक्शंस कैरीड आउट होने हैं वो होने हैं नेफ्रॉन की मदद से ठीक है बेसिकली किडनीज़ ने करना क्या होता है ब्लड को फिल्टर करना होता है और इसके साथ साथ ब्लड की वॉल्यूम और ब्लड कॉम्पोजिशन को रेगुलेट करना होता है मेनटेन करना होता है ठीक है ब्लड फिल्ट्रेशन से ऑस्मोटिक प्रेशर होम्योस्टैसिस कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड ब्लड की कॉम्पोजिशन ब्लड लेवल्स एंड ब्लड प्रेशर जो है वो मेनटेन होता है बात करते हैं बेसिक फंक्शन की बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन ये है कि इट फिल्टर्स द्लड जितना भी आपका ब्लड है वो फिल्टर होता है उसमें से हार्मुल मटीरियल टॉक्सिक मटीरियल मेटाबोलाइट्स वेस्ट मटीरियल जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरन तो ये जो फंक्शन है फ़िल्ट्रेशन का ब्लड की वो कर, वो नेफ्रॉन्स कैरिड आउट करते हैं किस तरह से होगा ये बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन ने जो आपका ब्लड फिल्टर करना है वो करना है बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यूरिन बनाकर और यूरिन फॉर्मेशन के हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं जो यूरिन फॉर्म होता है यूरिन क्या है बेसिकली एक फिल्ट्रेट है जिसके अंदर नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर है बाकी फाइव परसेंट जो है वो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं अनवॉन्टेड हार्मफुल या वेस्ट मटेरियल्स मौजूद होते हैं तो ये जो यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन जो है इसमें ये होता है कंप्लीट थ्री स्टेप्स में जो पहला स्टेप है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सेकेंड स्टेप है री uh, एब्जॉर्बशन का जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर री एब्जॉर्बेशन एंड लास्ट स्टेप इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सेकेंड स्टेप है हमारे पास टिब्यूलर रीअब्जॉर्पेशन एंड द लास्ट स्टेप इज टिब्यूलर सिक्रीशन यहाँ पे आप इसको इस तरह भी हेडिंग दे सकते हैं ज़्यादा अप्रोप्रियट हेडिंग है ग्लोमेुलर फिल्ट्रेशन टिब्यूलर रीऑब्जॉर्पन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन स्टार्ट करते हैं विद द ग्लोमर फिल्ट्रेशन लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो यूरिन फॉर्मेशन या फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है स्टार्ट होता है आपके नेफ्रॉन्स के गोम्रियोलस में जो कि एक ब्लड कैपलरीज का नेटवर्क है तो ये वो जगह है जहाँ पर इनिशिएट होगा स्टार्ट होगा यूरिन फॉर्मेशन का फेज़ तो आपके नेफ्रॉन्स के पास या आपके किडनीज के पास जो ब्लड आ रहा है वो आता है रीनल आर्टरी के जरिए से रीनल आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है रीनल आर्टीरियोल्स में और ये आर्टीरियल जो है वो फिर हिस्सा बनते हैं ब्लड देते हैं आपके नेफ्रॉन्स को ठीक है यहाँ पर दो यहाँ पर जो है हमारे पास नेफ्रॉन्स में ब्लड लेकर जाने वाली जो आर्टीरियोल्स हैं वो है एफरेंट आर्टीरियोल्स एफरेंट का हमने पहले भी पढ़ा था एफरेंट ए डबल एफ एफरेंट डिनोट करता है कि वो ब्लड कैपलरीज वो ब्लड आर्टीरियोल जो कि ब्लड लेकर जाती हैं इन टू स्पेसिफिक एरिया और ईफरेंट कहते हैं जो ब्लड को जो है वो एग्जिट करवाती हैं उस एरिया से निकालती हैं तो नेफ्रॉन्स के पास जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है एफरेंट आर्टीरियोल्स की वजह से एफरेंट आर्टीरियोल्स ब्लड सप्लाई करती हैं आपके नेफ्रॉन्स को एफरेंट आर्टीरियोल्स की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और इनका जो ल्यूमन है ओपनिंग है इस आर्टेरियोल की वो काफ़ी नैरो है जिसकी वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर है इन आर्टरीज का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ठीक है जो ब्लड प्रेशर है हमारे पास एफ्रेंट आर्टेरियल में इनकी लंबी लेंथ की वजह से और छोट ल्यूमिन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम स्मॉल ल्यूमिन में से गुजर रहा होता है जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इस हिस्से में ग्लोमरुलस में बहुत हाई होगा स्टार्ट करते हैं विद फिल्ट्रेशन ब्लड इंटर हो रहा है आपके कैप्सूल में किसके ज़रिए से वोमेंस कैप्सूल में एफ्रिन आर्टीरियल्स के ज़रिए से ठीक है अब हमने करना क्या है ब्लड प्लाज्मा के अंदर जितने भी हमारे पास आइंस मौजूद हैं हमने उनको फिल्टर करवाना है ठीक है ताकि वो फिल्ट्रेट का हिस्सा बन सकें जो भी ब्लड है उसमें से जितने भी हमारे पास अनवांटेड गैर जरूरी आइंस होंगे गैर जरूरी वाटर होगा वो आपके ग्लोमेरुलस में दाखिल कर दिया जाएगा ठीक है और वाप जो है ताकि वो ब्लड प्लाज्मा से निकल जाए और फिल्ट्रेट का हिस्सा बन सके क्योंकि हमने फिल्टर क्या करना है अनवांटेड वाटर को और अनवांटेड मटेरियल्स को तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होगा ये कि हमारे पास जैसे ही ब्लड आ रहा है आपके ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलस क्या है ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क है जो कि सराउंडेड है बोमिन कैप्सूल से क्लियर तो जो लाने वाली हमारे पास आर्टीरियोल्स हैं वो हैं एफ एन आरटेरियोल्स एफ से ब्लड आएगा और इंटर करेगा आपके ग्लोमरीस में ब्लड प्रेशर जो है वो एफ कैपलरीज़ में काफ़ी ज़्यादा हाई है मैंने मेंशन कर दिया है इसकी वजह क्या है हाई हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर होने की वजह से अब होगा क्या कि ये जो हाई ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इनकी वजह से जो वाटर और आइंस हैं ब्लड प्लाज्मा से निकलकर आपकी बोमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे किसके ज़रिए से थ्रू आप फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अब आपकी जो बोम्रियोलस है और बोमिन्स कैप्सूल है इन दोनों के दरम्यान में एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जितने भी आइंस हैं जितना भी वाटर है जो प्लाज्मा से निकल कर आपके ब्लड से निकल कर हिस्सा बनेगा बोमिनस कैप्सूल का उसको पास होना होगा गुजरना होगा इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से तो आने वाला ब्लड जो आ रहा है आपकी ग्लोमरीस में वो उस ब्लड में से जो हमारे पास आइन्स मौजूद हैं और वाटर मौजूद है वो पास हो जाता है किसमें आपके ग्लोमरीस में थ्रू आ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अब ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन सिर्फ उसे स्मॉल मोलिक्यूल्स को ही गुजरने की इजाज़त देती है स्मॉल मोलिक्यूल्स मीन वाटर हो गया ग्लूकोस हो गया यूरिया क्रैटनिन अमाइनो एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक आइंस यहाँ से ब्लड सेल्स और प्रोटीन सेल्स जो हैं वो पास आउट नहीं हो सकते इन टू यर फिल्ट्रेट ठीक है ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव है अपने पैसेज के लिए जो आने वाला ब्लड है आपकी ग्लोमुलस में उसमें से जितने भी स्मॉल आइन्स होंगे वाटर होगा वो सारा के सारा चला जाएगा निकल के ब्लड से निकल के इन यर वोमेंस कैप्सूल ठीक है यहाँ पर कंप्लीट होता है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ये बात आपने याद रखनी है वो जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है यहाँ पर बिटवीन योर ग्लोमरुलस एंड वोमेंस कैप्सूल वो सिर्फ अलाउ करती है स्मॉल आइंस को कि वो पास हो सकें फिल्ट्रेट का हिस्सा बन सकें जो बाकी लार्ज आइन्स हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ब्लड सेल्स हैं आपके और इसके अलावा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं हॉर्मोन्स हैं वो यहाँ से पास आउट नहीं हो सकते सेकेंड स्टेप है हमारे पास ट्यूबुलर री एब्जॉर्पन का री ऐब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ब्लड के अंदर वापस से किसी चीज़ का एब्जॉर्ब हो जाना शामिल हो जाना इसलिए इसको हम कहते हैं री एब्जॉर्प्शन टिब्यूलर री के अंदर ये होगा कि आपकी जो पेरी टिब्यूलर कैपलरीज प्रेजेंट है अराउंड द रीनल टिब्यूल्स अच्छा टिब्यूलर री का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रहा है आपकी रीनल टिब्यूल्स में नेफ्रॉन का जो टिब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोक्सिमल टिब्यूल आता है सबसे पहले उसके बाद लुपोफेन एंड देन वी हैव डिजटल कॉन्विलेटेड टिब्यूल ये जो तीन सेट ऑफ़ टिब्यूल्स हैं यहाँ पर कैरियड आउट होता है फंक्शन ऑफ़ टिब्यूलर रीएबज़ॉर्पेशन अब इन तीनों ट्यूब्स के सराउंडिंग में इन तीनों ट्यूब्स के अराउंड हमारे पास कैपलरीज मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज जिनके अंदर ब्लड होगा ठीक है अब अप्रोक्सिमल कॉमेटरी टिब्यूल मेन हिस्सा है आपकी टिब्यूलर री का यहाँ से फिफ्टीन वाटर जो है वो रीऑब्जॉर्ब होता है इन टू योर ब्लड री एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर वापस से फिल्ट्रेट से निकल कर आपके ब्लड का हिस्सा बन जाना रे एब्जॉर्प्शन जो टू थर्ड ऑफ फिल्ट्रेट है उसमें से जितनी भी अन हमारे पास आइन्स uh, हैं जो कि एसेंशियल हैं आपके ब्लड के लिए जो कि ज़रूरी है आपके ब्लड के लिए इसमें वाटर है सोडियम है ये रीऑब्जॉर्ब हो जाते हैं दोबारा से कहाँ पर आपके पहले टिब्यूलर में ठीक है जितना भी फिल्ट्रेट आ गया है जो फिल्ट्रेट बना है आपके रीनल कॉर्पसल में मतलब वोमेंस कैप्सूल में अब वो कहाँ पर आएगा रीनल टिब्यूल्स में जब यिनल ट्रिब्यूल में आ रहा है अब इस फिल्ट्रेट के पास बहुत सी चीज़ें बहुत से आइन्स ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं आपके ब्लड के लिए अब इनको वापस उस फिल्ट्रेट से वापस भेजना है आपकी ब्लड स्ट्रीम में तो ये जो वापस भेजने का अमल है वो वो कहलाता है ट्रिब्यूलर री एब्जॉर्बशन आने वाला फिल्ट्रेट जो सबसे पहले आएगा प्रॉक्सिमल कॉनुलेटेड ट्रिब्यूल में यहाँ पर इन टिब्यूल्स के गिर्द क्या है सराउंडिंग में बहुत सारी पेरी ट्रिब्यूलर कैपलरीज आपका जो फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है इस टिब्यूल के अंदर इस फिल्ट्रेट में से सोडियम और वाटर निकल कर आपके एक्स्ट्रा सेलूलर स्पेस में जाएंगे किसके ज़रिए से एपीथीलियल सेल्स एपीथीलियल सेल्स मौजूद हैं आपकी टिब्यूल्स के अंदर इन एपीथीलियल सेल से सोडियम और वाटर निकल कर जाएगा एक्स्ट्रा सेलूलर स्पेस में और फिर इस एक्स्ट्रा सेलोअर स्पेस से जो आपकी पैरिटिब्यूलर कैपिलरीज हैं इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी ये जो प्रोसेस है री एब्जॉर्पन का इसको हम कहते हैं टिब्यूलर री एब्जॉर्पन इसका मतलब ये है कि जितनी भी ज़रूरी आइन्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं आपके ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो फिल्ट्रेट से निकाल कर दोबारा शामिल कर दिए जाएंगे इनटू योर ब्लड सर्कुलेशन किसके ज़रिए से आपकी एपिथेलियल सेल्स से निकल कर जो कि मौजूद हैं टिब्यूल्स में जाएंगे आपकी एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में और इस स्पेस में से पैरिटिब्यूलर कैपिलरी जो हैं वो इन आइन्स को वापस रीऑब्जॉर्ब कर लेंगी लास्ट स्टेप है हमारे पास वो है टिब्यूलर सिक्रीशन का अब ये ऑपोजिट स्टेप है आपके टिब्यूलर री का टिब्यूलर री में क्या होता है जो फिल्ट्रेट आ रहा है रीनल टिब्यूल्स में उस फिल्ट्रेट में से आप आइंस निकाल कर वापस शामिल कर रहे थे ब्लड के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड में से जो गैर जरूरी आइन्स हैं आप उनको निकाल कर वापस शामिल करेंगे किस में टिब्यूल्स में ठीक है वहाँ प्शन में हो रहा था कि जो फिल्ट्रेट है उसमें से निकल कर आयंस मूव कर रहे थे ब्लड में अब यहाँ सिक्रीशन में क्या होगा ब्लड से आपके आयंस निकल कर हिस्सा बनेंगे आपके फिल्ट्रेट का तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिब्यूलर सिक्रीशन यहाँ पर होगा ये कि ट्रांसफ़र होंगे आपके आयंस या बहुत से टॉक्सिक मटेरियल जो कि गैर ज़रूरी हैं आपके ब्लड के लिए आपकी पैरिटिब्यूलर कैपिलरीज से निकल कर वो आएंगे कहाँ पर आपकी रीनल टिब्यूल्स में रीनल ट्यूब्यूल्स में वो हिस्सा बन जाएंगे आपके फ़िल्ट्रेट का और ये फिल्ट्रेट जो है वो अपनी फाइनल वॉल्यूम के साथ दाखिल हो जाएगा कहाँ पर आपके कलेक्टिंग डग में जिसको ये जो फिल्ट्रेट अब कलेक्टिंग डग में जा रहा है उसको हम कहते हैं यूरिन अब इस टिब्यूलर सिक्रेशन में कौन से आइंस जो हैं वो पेरी पैरिटिब्यूलर कैपिलरीज के ब्लड से निकल कर आपके फिल्ट्रेट में शामिल होंगे वो हैं पोटेशियम है हाइड्रोजन है क्राटनिन है और बहुत से ड्रग के मेटाबोलाइट्स जो आपके ड्रग के मेटाबोलाइट्स हैं वेस्ट मटेरियल्स हैं जो मेटाबॉलिक फॉर्म्स होती हैं ड्रग जब ख़त्म मतलब तो अपनी आ, अपना थर्बेटिक इफेक्ट दिखाने के बाद जब ड्रग कन्वर्ट हो जाता है अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ताकि वो यूरिन से पास आउट हो सके तो उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो हिस्सा बनते हैं खून से निकल कर आपके इन टिब्यूलर फिल्ट्रेट्स का तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिब्यूलर सिक्रीशन अब यहाँ पर तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं डीनल ट्रिब्यूल से सारा का सारा फिल्ट्रेट जो बना है हमारे पास वो इस, वो आ जाएगा कलेक्टिंग डग में और बहुत सी कलेक्टिंग ड्रग्स शामिल हो मतलब ड्रेन करती हैं कॉमन कलेक्टिंग डग में अपने फिल्ट्रेट को जिसको हम यूरिन कहते हैं और यूरिन यहाँ से कलेक्टिंग ड्रग से जाता है रीनल पेल्विस रीनल पेल्विस से फिर आगे यूरेटर्स में तो ये था पूरा आपका प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेश जिसको हमने आज डिस्कस किया है कि बेसिक फंक्शन है क्या आपके नेफ्रॉन का दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन